फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों, हम आप सभी के लिए अगली मॉक टेस्ट लेकर आ चुके हैं, मॉक टेस्ट 25। जैसा कि आप लोग जानते हो, रेगुलर बेसिस पर एक मॉक टेस्ट आप लोग लगाते हो जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साथियों, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है आपको फाइंड करके बताना है। दोस्तों पहला क्वेश्चन खास आपके लिए होता है, उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा। दोस्तों ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा और नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। लगभग 45 से 50 क्वेश्चन इस सेशन में ऐड किया गया है और हर डिपार्टमेंट से ऐड किया गया है। आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपको पूरा बेनिफिट हो पाए। एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपको बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों आपको बता दें डी ऑप्शन राइट आंसर है। कोई यह मत कहना उत्तर प्रदेश गलत हो जाएगा। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। आपको बता दें दोस्तों इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। गोवा सबसे छोटा राज्य है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखना, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। आपको बता दें दोस्तों कर्क रेखा झारखंड राज्य से गुजरती है भारत में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को कंप्लीट देखना। हर प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, साइंस का भी क्वेश्चन देखना। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है। दोस्तों भारत का क्षेत्रफल आपको बताना है पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है। आपका राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन 4 गुना। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चंस है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इंदिरा पॉइंट। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखना, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती। आपको राइट आंसर से बताना है दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है। इन चारों ऑप्शंस में से आपको डिफाइन करना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर दोस्तों आ गया होगा। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या आया है, ए ऑप्शंस आना चाहिए, कर्नाटक। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस जरा ध्यान से देखना, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। संघ राज्य क्षेत्र की बात की जा रही है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना, भारत का सबसे बड़ा आपको बताना है। डी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कोई यह मत कहना पुदुचेरी गलत हो जाएगा दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। इसके बाद क्रमशः दोस्तों दिल्ली आएगी, फिर पुदुचेरी, फिर दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, फिर दमन व दीप और लक्षद्वीप इसके बाद आता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। यानी दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है विश्व में, पूरे विश्व में भारत का स्थान क्या है आपको बताना है। डी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, सातवां। आपको बता दें दोस्तों, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के पश्चात विश्व में सातवें स्थान पर है जो कि भारत। आपको बता दें दोस्तों, जनसंख्या के दृष्टि से भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस है, निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं। आपका राइट आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए, श्रीनगर। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। अभी आपको दोस्तों साइंस का भी क्वेश्चन मिलेगा, धीरज रखिए, पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको पूरा बेनिफिट होगा। सी ऑप्शंस आप सभी का दोस्तों राइट आंसर हो गया होगा। पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ लगती है। किसने, कौन कौन देश हैं, बांग्लादेश और नेपाल और भूटान। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखना, भारत का वह
कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है दोस्तों, आपको बताना है। ए ऑप्शंस कन्याकुमारी। दोस्तों कन्याकुमारी में, भारत के कन्याकुमारी में जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद सागर महासागर से मिलती हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखना। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान की से सीमा बनाती है, आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर दोस्तों आ गया होगा, बी ऑप्शंस। दोस्तों भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान की से सीमा बनाता है, तो दोस्तों यही समूह आपका पाकिस्तान से सीमा बनाता है। पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में से सबसे छोटा कौन सा है, आपको बताना है। आपका राइट आंसर दोस्तों आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर दोस्तों आ गया होगा, डी ऑप्शंस लक्षद्वीप। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोषण का उद्देश्य है, पोषण का क्या उद्देश्य है, आपको राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा, डी ऑप्शन। दोस्तों पोषण का उद्देश्य इन सभी से है, उपयुक्त सभी से, यानी शरीर की वृद्धि एवं विकास से भी है, शारीरिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा की पूर्ति से भी है, रोगों से सुरक्षा से भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखना। भोजन की प्रकृति एवं उसके उपयोग की विधि के आधार पर जंतुओं में पोषण का एक प्रकार नहीं है, दोस्तों जंतुओं में पोषण का एक प्रकार नहीं है, आपको बताना है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जंतु जो कि अपना भोजन नहीं लेते हैं, इन सभी के द्वारा ले सकते हैं, लेते हैं, यानी सी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है, तो राइट आंसर आप रवि का हो जाएगा, ए ऑप्शंस उत्तरी और पूर्वी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। पोषण की किस विधि को प्राणिसम पोषण भी कहा जाता है, पोषण की किस विधि को प्राणी संपोषण भी कहा जाता है, आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर दोस्तों आ गया होगा, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन है, पूर्ण भोजी पोषण। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चंस जरा ध्यान से देखना। ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं, दोस्तों ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व क्या हैं, बी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर है, कार्बोहाइड्रेट। वीडियो को अभी तक दोस्तों लाइक नहीं की हो तो लाइक तथा दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे मोटिवेशन बना रहे। अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड किस पोषक पदार्थ के प्रकार हैं, किस पोषक पदार्थ के प्रकार हैं, आपका राइट आंसर दोस्तों आ जाएगा, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा पोषक पदार्थ कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है, तो दोस्तों कौन सा पोषक पदार्थ, आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो गया, प्रोटीन। दोस्तों प्रोटीन कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग है, यानी जितने भी प्राणी हैं अधिकांश उसके जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग क्या होता है, आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, आपको बताना है। राइट आंसर ए ऑप्शन प्रोटीन, आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, जरा ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से किसके उपापचय प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है, यानी किसके उपापचय प्रक्रम से, दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन वसा। वसा के उपापचय प्रक्रम से दोस्तों सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस देखिएगा, तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं, दोस्तों किसकी आवश्यकताएं होती हैं, आपका सी ऑप्शंस वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में निम्नतर, राइट आंसर सी ऑप्शंस। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस देखिएगा, निम्नलिखित
भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित नहीं है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा आपको बताना है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, चावल। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता। तो राइट आंसर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन की को विकृत नहीं करता। डी ऑप्शन भारी धातु लवण, डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अल्फा कैरेटीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है, अल्फा कैरेटीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है बी ऑप्शन त्वचा में, त्वचा में राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखना, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है। आपको राइट आंसर बताना, उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना। आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आया होगा। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखना, गाय के दूध का रंग पीला सफ़ेद किस कारण होता है। आपको बताना है का रंग रहेगा दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी ऑप्शन, कैसीन के साथ कैरोटीन। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। आपका राइट आंसर दोस्तों आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आया होगा सी ऑप्शन पनीर। दोस्तों पनीर आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जरा ध्यान से देखना, विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स दोस्तों क्या होते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बनिक यौगिक होते हैं। दोस्तों कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन्स, जी हाँ दोस्तों ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अलसी किस पोषक तत्व प्रचुर स्रोत है, अलसी किस पोषक तत्व प्रचुर स्रोत है। आपका राइट आंसर बताना है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन ओमेगा थ्री वसीय जो वसी अम्ल। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जरा ध्यान से देखना, निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। दोस्तों विटामिन ए का डी ऑप्शन दूध प्राकृतिक स्रोत नहीं है, जी हाँ दोस्तों डी ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए ऑप्शन, शरीर की ऊष्मा का क्षय। जी हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा, आपको बताना है दोस्तों मात्रा है आपको बताना है। आपका राइट आंसर डी ऑप्शन 45 ग्राम, कितना 45 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के एक गंभीर रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है, आपको बताना है वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के एक गंभीर रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है, आपको बताना है कौन सा प्रोटीन है। आपका राइट आंसर दोस्तों आ गया होगा, उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर सी ऑप्शन आया होगा, एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। आपका राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन आ गया होगा। दोस्तों इससे याददाश्त की कमी हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। लंबे समय तक उपवास करने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ती है, यानी दोस्तों भूखे रहने पर शरीर पर किस अंक पर प्रभावित होती है लंबे समय तक। उम्मीद करते हैं हर किसी का दोस्तों राइट आंसर आएगा, बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस बहुत इजी है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना डी ऑप्शंस गुर्दे। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो गया होगा, डी ऑप्शंस। दोस्तों अगर आपको डाउट हो तो एक बार गूगल करना, डी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर हो गया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोगों को पहले ही हमने बता दिया है।
दोस्तों आज का यह सेशंस कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह बेनिफिट होती रहे। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए थैंक यू सो मच।